हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केलकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये हमारे दो हॉस्पिटल है जिसमें हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का इलाज करते हैं। एक है कि रिश्तेदार हमारे तरफ, मतलब उनके साथ में भर्ती रहते हैं पेशेंट के साथ में, और एक बिना रिश्तेदार हमारे यहाँ रहते हैं, मतलब पेशेंट अकेला रहता है और बिना रिश्तेदार हम पेशेंट का इलाज करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि लड़कियों के मास्टरबेशन के बारे में, महिलाओं के मास्टरबेशन के बारे में। एक महिला मेरे पास में आई थी, करीब करीब 36 साल की उम्र, और उसका ये कंप्लेंट था कि भाई उसके हस्बैंड को कोई सेक्स का प्रॉब्लम है, उसको कमर का प्रॉब्लम है और उसके वजह से वो सेक्स नहीं कर पाता, और फिर इसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको इच्छाएं होती रहती है और इच्छा होने के बावजूद भी वो कर नहीं पाता है, और फिर इसके इसमें करना क्या, मतलब क्या किया जाए। वो कभी कभी कर सकता है मगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। एक तो जल्दी पतन हो जाता है, शीघ्र पतन होता है, या फिर पूरा उसमें इरेक्शन जो है, कठोरता शिश्न में आती नहीं है। तो जैसा ये लेडीज़ को, मतलब ये लेडी को शादी के बाद में प्रॉब्लम है, वैसा काफ़ी सारे लेडीज़ को शादी के पहले भी प्रॉब्लम होता है कि भाई इच्छा तो होती है, बहुत होती है सेक्स करने की, मगर अभी हमारे समाज में ऐसा तो कोई अलाउ नहीं है कि भाई शादी के पहले सेक्स करना है। अभी तो काफ़ी अलग कल्चर हो गया, बात अलग है, मगर तभी भी हमारे कल्चर में ऐसा नहीं कि शादी के पहले मुक्त सेक्स लोग करेंगे। इच्छा तो बहुत होती है, तो फिर वो इच्छाएं होती है वो दबा दबा के रखना, फिर चिड़चिड़ेपन आना। जैसे ये महिला बोलती, मुझे चिड़चिड़ापन आता है, हस्बैंड जब भी कभी बोलते कि सेक्स करो, मेरी तो इच्छा पूरी होती नहीं है, फिर कैसा करूँ, और फिर उसमें झंझट झगड़े होते रहते। तो शादी के पहले हो या शादी के बाद में हुई थी, सेक्स की इच्छा, मतलब जो कामेच्छा जो है वो यदि पूरी होती नहीं है तो उसके लिए फिर क्या किया जाए। वैसे ही महिलाओं को यदि हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है तो सेक्स हस्बैंड कर सकता नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है, या फिर वो कहीं बाहर टूर पे है हस्बैंड, और काफ़ी सारा टूर करना पड़ता है, मतलब दौरे है, बाहर जाना पड़ता है, धंधे के लिए बोलो, उनके व्यवसाय में जाना पड़ता है, बिजनेस है या टूरिंग जॉब है, तो उसमें भी फिर उसकी इच्छा उसको दबा देना पड़ता है, नहीं होती, मतलब पूरी होती नहीं है, फिर उसमें क्या किया जाए। तो इसके लिए बेस्ट उपाय जो है, उपचार जो है, वो है मास्टरबेशन का, मतलब हस्तमैथुन करना लेडीज़ ने। तो लेडीज बोलते हाँ, लेडीज़ ने कैसा मास्टरबेशन करना, तो लेडीज़ भी मास्टरबेट करती है, मतलब हस्तमैथुन करती है। क्या होता है कि समझो ये योनि है, और ये योनि में समझो ऐसा शिश्न अंदर जाता है, तो योनि के ऊपर ये बाजू, यहाँ एक शिश्निका रहती है लेडीज़ को, शिश्निका छोटा रहता है, एक पेनिस वो लेडीज़ को रहता है, वो छोटा जो शिश्निका जो है उसको क्लाइटोरिस ऐसा बोलते हैं, वो बहुत ही संवेदनक्षम रहता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता रहती है। तो लेडीज़ को जो आनंद मिलता है सेक्स का, वो एक्चुअली ये जो शिश्निका जो है क्लाइटोरिस, उसको स्टिम्युलेट करके उसको आनंद मिलता है। मतलब योनि में सेक्स डाल के ऐसा सेक्स करने में लेडीज़ को जो आनंद मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा उसको आनंद जो मिलता है वो शिश्निका को चेतावनी करने से मिलता है, चेताने से मिलता है। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि एक तो आर्टिफिशियल रबर के पेनिस आते हैं, शिश्न आते हैं, कि जिससे कोई ईजा होंगे नहीं, मतलब कोई जख्म नहीं होंगी, बहुत ही वो मुलायम रहता है, सॉफ्ट रहता है, और वो अंदर डाल के आप एक तो सेक्स कर सकते हैं और खुद की इच्छा जो है, कामेच्छा वो पूरी कर सकते हैं, या फिर शिश्निका जो है उसको आप चेता सकते हैं, मतलब उसको स्टिम्युलेट कर सकते हैं। तो उसको स्टिम्युलेट करते 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 बहुत आनंद मिलता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि उस समय एकदम रिलैक्स हो जाती है लेडी, उसको आनंद आता है, समाधान मिलता है, शांति मिलती है। तो लेडीज़ मास्टरबेट करती है, मास्टरबेशन हस्तमैथुन लेडीज़ में होता है, वो शिश्निका के चेतावनी से या उसको चेताने से होता है, या अंदर कोई रॉड रबर का डाल के, या ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो रबर जैसा है जिससे कोई जख्म नहीं होंगी वो डाल के, और फिर कल्पना करके कि भाई अपन सेक्स कर रहे हैं ऐसे, और उसमें उसको फिर बहुत शांति मिलती है। शादी के बाद में तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं, मगर शादी के पहले, यदि लेट शादी होती है तो, या फिर शादी के पहले, मतलब लड़की जब उसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, है ना, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, उसकी उसका जो मेंस्ट्रुएशन है
मतलब मासिक धर्म वो चालू हो जाता है तो उम्र के 13, 14, 15 साल के बाद में उसको सेक्स आना शुरू हो जाता है। और समझो उसकी शादी 30 साल की उम्र में होती है, तो 15-16 साल तक जो इच्छा दबाना पड़ता है, जो इच्छा होती है, क्योंकि देखो मन कितना भी शांत रखे तभी शरीर जो है ना वो शांत बैठने देता नहीं, और फिर उसमें कुछ तो भी हरकत हो जाती, कम ज़्यादा हो जाता है। और आजकल तो ऐसा है कि फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या अलग अलग मतलब जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से लड़कों से पहचान हो जाती है, डेटिंग करना, बाहर घूमना फिरना, और उसमें सेक्स तो काफ़ी बार हो जाता है। वो गलती से हो जाता होगा या फिर वो एक अतिरेक हो जाता है, कभी कभी बहुत इच्छा हो जाती है, फिर पास पास आना, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन हो जाना, और उसमें फिर सेक्स करने की इच्छा होना और एक आधी बार सेक्स कर लेना, तो फिर उसमें नाम भी खराब होता है, कैरेक्टर में भी प्रॉब्लम आता है, उसमें प्रेगनेंसी आ गई तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है कि प्रेगनेंसी रही तो ऐसे सब ये टालने के लिए बेस्ट ये है कि लड़कियों ने भी मास्टर्बेशन करना चाहिए, जिससे कि उसका मन शांत रहेगा, सेक्स की इच्छा पूरी होंगी, कामेच्छा जो है वो पूरी होते जाएंगी, और फिर उसको बाहर कुछ करने की इच्छा नहीं रहेंगी। तो जैसा ये पुरुष लोगों के बारे में भी, मतलब लड़कों के बारे में भी सही है, मैंने इसके पहले भी वीडियो जाहिर किया, मतलब ये किया हुआ है, जारी किया हुआ है कि जिसमें मैंने बोला है कि मास्टर्बेशन करो, मास्टर्बेशन करना अच्छा है, मगर हमारे पुराण में, आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मचर्य यही जीवन है, वीर्यनाश ये मृत्यु है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वीर्यनाश करने से कुछ भी होता नहीं है, तो लड़कों ने भी मास्टर्बेशन करना चाहिए, हस्तमैथुन करना चाहिए, लड़कियों ने भी करना चाहिए, जिससे कि उनको बाकी जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है, गुप्त रोग है, सिफिलिस है, या फिर HIV है, या फिर और कुछ प्रेगनेंसी होना, मतलब ऐसे को ऐसे जो कॉम्प्लिकेशन है वो लड़कियों में टाले जा सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर काफ़ी सारे लेडीज़ में शेयर करो, जितनी सारी लेडीज़ होंगी, कि क्या होता है कि लेडीज़, एक तो मैंने महिला बोली वो आ गई मेरे पास में, हिम्मत नहीं करती लड़कियाँ, लेडीज़ हिम्मत नहीं करती कहाँ जाना, और उनको ऐसा लगता है फिर इधर उधर पढ़ो कुछ तो भी, पढ़ने से या कहीं माहिती निकालो, फिर वहाँ कोई गलत माहिती मिलती है। वो लेडी मेरे पास में आई, उसने माहिती निकाली, पूरी जानकारी लिया, तो ऐसी काफ़ी सारी लेडियों की जानकारी लेना पसंद नहीं करती होंगी या शर्माती होंगी। तो ये वीडियोस काफ़ी सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ज़्यादा लोगों को ये फैला कि ये नॉर्मल है, महिलाओं में मास्टर्बेशन ये टोटली नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो बिल्कुल करना ही चाहिए, कोई उसमें गलत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।